इधर ग्वालियर नगर निगम अब जानवरों पर भी टैक्स लगाने की तैयारी कर रहा है। अब गाय, भैंस, बैल, कुत्ता पालने से पहले आपको टैक्स भरना होगा। नगर निगम ने इसको लेकर पूरा प्लान तैयार कर लिया है। इसके चलते अब पशुपालकों को अपने जानवरों का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी हो गया है। नगर निगम आवारा पशुओं और कुत्तों से हो रही परेशानी को कम करने के लिए इस नियम को लागू कर रहा है। यही वजह है कि इसके प्रचार प्रसार के लिए निगम ने डोर टू डोर कचरा गाड़ियों पर लाउड स्पीकर लगाकर प्रचार करने की तैयारी की है। नगर निगम के मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी के मुताबिक जानवरों की लगातार बढ़ती आबादी से इलाके की स्वच्छता प्रभावित हो रही है और इस वजह से निगम ने ये कदम उठाया है। उस समय जिसके साथ डॉग बाइट होती बड़ा पेनिक होता है, वो उसकी कंप्लेंट्स आती हैं। निजात पाने के लिए अब हम लोगों ने डॉग रजिस्ट्रेशन शुरू किया है। उस डॉग रजिस्ट्रेशन में जो ये क्लेम करेगा ये डॉग हमारा है, तो आपको उसके लिए 150 रुपीज़ का रजिस्ट्रेशन फ़ीस देनी होगी, उनका आधार कार्ड देना होगा, उस डॉग का जिसको आप रख रहे हैं उसका एक वैक्सीनेशन कार्ड दिखाना होगा, उसके बाद ही आपको अलाउ करेगी नगर निगम उस डॉग को रखने के लिए।